मार्वलस कोचिंग मेन रोड पड़वा मोड पलामू, एसएससी रेलवे बैंकिंग कंप्यूटर कोर्स आदि की तैयारी के लिए संपर्क करें। पलामू जिला अनुसूचित जनजाति कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश पासवान की पहल पर 25 वर्षीय आंसू गुप्ता उत्तर प्रदेश के रहने वाले पलामू जिले के नावा बाजार के इटको गांव से बरामद किया गया। परिजनों के इटको गांव पहुंचने पर आंसू गुप्ता को थाना प्रभारी वासुदेव मुंडा व प्रमुख रविंद्र पासवान के मौजूदगी में परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक आंसू गुप्ता 12/12/2019 को मानसिक संतुलन खोने के बाद घर से लापता था, जिसका उत्तर प्रदेश भेलपुर थाना में गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज था। उस दिन से उसके घर वाले खोजबीन पर परेशान थे, लेकिन कहीं पता नहीं लग पाया। इसी बीच उमेश पासवान के साड़ू इटको निवासी अरुण पासवान को चैगवाना धाम के पास आंसू गुप्ता मिला, जो उसे बहला फुसलाकर इटको घर लाया और बड़े जटा को कटवा कर नहलाया गया। इसके बाद आंसू गुप्ता ने अपने घर की पता बताए। इस पता को अरुण पासवान ने अपने साड़ू उमेश पासवान को जानकारी दी। इस बीच उमेश पासवान की पहल पर उत्तर प्रदेश एसपी से बात कर भेलूपुर थाना को सूचित किया गया। सूचित करते ही घर वाले को थाना के माध्यम से जानकारी दिया गया। जानकारी मिलते ही परिजनों ने पलामू के नावा बाजार इटको गांव में पहुंचकर, जहां नावा बाजार थाना प्रभारी वासुदेव मुंडा व प्रखंड प्रमुख रविंद्र पासवान की मौजूदगी में भेलूपुर थाना व नावा बाजार थाना प्रभारी के द्वारा बातचीत के दौरान आंसू गुप्ता को परिजनों को सौंप दिया गया। आंसू गुप्ता 7 माह बाद अपने घर लौटे, जो खोए पुत्र को मिलने के बाद परिवार में खुशी के साथ पुनः उत्तर प्रदेश लौटे।